नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण आवंटन को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया है। इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। बता दें कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह शासनादेश जारी किया। आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक के बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी, लेकिन आज आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। गौरतलब है कि आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार और पार्टी में मंथन चल रहा था। इसे लेकर असंतोष भी देखा गया है। कई सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों ने यह शिकायत की है कि वे लोग पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी करके बैठे थे, लेकिन इस आरक्षण के फार्मूले के कारण वे अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बस्ती समेत देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।